18 इंडिया पर बता दें, फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कच्छ क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शूटर को गुजरात से मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई में अब इसके बाद पूछताछ होने जा रही है। विवेक ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जिसने फायरिंग की वो अब पुलिस गिरफ्त में। बिल्कुल जी कलमिना, आपने देखी ये बहुत बड़ी कामयाबी है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए। एक जॉइंट ऑपरेशन मुंबई क्राइम ब्रांच और गुजरात क्राइम ब्रांच के एक जॉइंट ऑपरेशन में दो शूटर्स थे जिन्होंने सलमान खान के घर पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की थी रविवार की सुबह 4:55 पर, और मुंबई क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से पूरी फायरिंग हुई है, और हमने सीसीटीवी फुटेज भी चलाया था जिसमें साफ तौर पर एक बाइक पर दो सवार लोग आ रहे हैं और लगातार सलमान खान के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। इन सीसीटीवी के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की कई टीमें इस पर काम कर रही थी और सीसीटीवी की मदद से ये लोग आरोपी तक पहुंचे हैं। और जैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला कि आरोपी की लोकेशन भुज में है तो उन्होंने गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद मांगी और जॉइंट ऑपरेशन में गुजरात क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, मुंबई पुलिस, कि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द मुंबई लाया जाए और पूछताछ की जाए और कोशिश की जाए कि इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हों। ठीक है विवेक, बहुत सारे राज खुल सकते हैं आज, किसी भी वक्त इन आरोपियों को मुंबई लाया जा सकता है। आप नजर बना के रखिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया। तक पूरे इलाके की रेकी की थी और यह जानकारी हासिल की थी कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा कब ज्यादा और कब कम होती है ताकि फायरिंग करने के बाद वो आसानी से वहां से फरार हो सके। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि दोनों शूटरों ने फायरिंग के दौरान बाइक एक बार भी नहीं रोकी। उन्होंने चलती बाइक से ही 4 से 5 सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी और फिर तेजी से वहां से फरार हो गए। ये बात भी सामने आई कि फायरिंग के बाद सलमान खान के घर के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन बाइक पर होने की वजह से दोनों शूटर वहां से निकल गए थे। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर हमेशा तैनात रहने वाली मुंबई पुलिस की गाड़ी उस दिन वहां मौजूद नहीं थी और इसी का फायदा शूटरों ने उठाया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों शूटर गोली चलाने के बाद महबूब स्टूडियो की तरफ भागे थे। सलमान खान के घर से करीब 1 किलोमीटर आगे शूटरों ने बाइक छोड़ दी थी। सूत्र बताते हैं कि वहां उन दोनों ने अपने कपड़े बदले और फिर वहां से बांद्रा स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन से 5:08 पर उन्होंने बोरीवली जाने के लिए स्लो लोकल ट्रेन पकड़ी। दोनों करीब 5:13 पर सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे और वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसीलिए शक ये जताया गया कि उन दोनों शूटरों की जरूर कोई मदद कर रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल इलाके